बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। मैं हूं अंजू सिंह। स्वस्थ किसान की हम बात करें तो इस कार्यक्रम में हम स्वस्थ राष्ट्र की कल्पना पर इस कार्यक्रम को लेकर आते हैं। ये कार्यक्रम स्वस्थ राष्ट्र की कल्पना पर ही आधारित है। दोस्तों, स्वस्थता की बात केवल एक परिवार की नहीं बल्कि पूरे देश की होती है और पूरा देश भी ऐसा ही सोचता है। इसीलिए स्वास्थ्य के प्रति हम सभी का ध्यान उन खाने की चीज़ों पर भी होना चाहिए जो हमें फिट रख सकें, है ना। यदि बात पोषण कुपोषण की करें तो भारत ने G20 समूह के दौरान कई देशों के प्रतिनिधियों को मोटे अनाजों के व्यंजनों के प्रति आकर्षित किया है और 7 से 11 मार्च तक दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेले के दौरान भी दुनिया भर से कई अतिथियों को भारतीय व्यंजनों के प्रति आकर्षित किया जाएगा। बहरहाल, यदि बात पोषण कुपोषण की करें तो इस मामले में काफ़ी सुधार तो हुआ है, बावजूद इसके अभी भी कुपोषण एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। आपको जानना चाहिए कि हमारा स्वास्थ्य इस पर निर्भर नहीं करता है कि हम कितना पौष्टिक भोजन खाते हैं, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि हमारा शरीर उस भोजन को कितने अच्छे से पचा पाता है। आंकड़ों की माने तो आज गांव हो या शहर, हर तीसरा व्यक्ति पाचन की समस्या, पेट और सीने में जलन और एसिडिटी से परेशान नजर आ रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि बाजरा, मक्का, ज्वार, रागी, सावा, कोदो, जौ आदि न केवल स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी हैं बल्कि इसके सेवन से डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के अलावा हृदय संबंधी बीमारियों का भी खतरा कम रहता है। आज के अंक में हम अपने विशेषज्ञों से समझेंगे कि हम स्वस्थ रहने के लिए और फिट रहने के लिए इन अनाजों को कैसे अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं, इनको कैसे प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही एसिडिटी की समस्या, पेट में संक्रमण और चर्बी चढ़ने की परेशानी अगर है तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आज का विषय नोट कर लें आप, आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं सबसे पहले उस विषय की बात करते हैं। आज का हमारा विषय श्रीयन, मिलेट्स पौष्टिकता से भरपूर, बिखरे तिनकों की सामूहिक हंसी, एक जागरूकता। यदि आप पाचन और पेट संबंधी समस्या से परेशान हैं, फैटी लीवर या एसिडिटी की समस्या से लड़ रहे हैं या फिर स्वस्थ पोषण के लिए के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कीजिए। हमारे टोल फ्री नंबर आप नोट कर लें, 1800-113-0060, दूसरा नंबर 1800-113-0061। हमारा नंबर टोल फ्री है यानी इस पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। आपकी समस्याओं के समाधान के लिए स्टूडियो में दो बड़े विशेषज्ञ अगले एक घंटे तक हमारे साथ रहेंगे जो पूरे एक घंटे में आपके सवालों को भी जानेंगे और इन दोनों विषयों से जुड़े हुए जो आज का विषय है हमारा उससे जुड़ी हुई जानकारियाँ भी हमें देंगे। हमारे साथ है नेशनल अकेडमी ऑफ मेडिसिन साइंसेज के सचिव प्रोफेसर डॉक्टर उमेश कपिल जी। आप जाने माने न्यूट्रिशन विशेषज्ञ हैं और एम्स दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग के पूर्व प्रोफेसर भी रह चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। तो आपसे समझेंगे पाचन से संबंधित जो समस्या है उनका समाधान कैसे हो, कैसे हमारा पाचन दुरुस्त हो, किन बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। साथ ही हमारे साथ हैं अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान दिल्ली से जीवन शैली और निवारक चिकित्सा की सहायक प्रोफेसर डॉक्टर गरिमा श्रीवास्तव जी। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर गरिमा आपका भी कार्यक्रम में। तो दोनों ही मेहमानों से हमने आपकी मुलाकात करवा दी है और आप अपने सवालों के साथ तैयार रहें। आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे पूरा पोषण आपके शरीर तक पहुंचे, इसे अच्छे से आपका शरीर हजम करे और सही मायने में आप स्वस्थ जीवन जीने के लिए किन बातों का ध्यान रख सकते हैं, खान पान कैसा होना चाहिए। आइए देखते हैं पहले इससे जुड़ी हमारी रिपोर्ट। माँ, जी हाँ, एक शब्द का ये अक्षर जिसमें छिपी है एक बहुत बड़ी शक्ति। ये शक्ति है बेसुमार स्नेह की, क्योंकि माँ ही तो है जो अपनी कोख में बच्चे के आते ही
तब तक जिम्मेवारियां निभाती है जब तक शिशु का जन्म नहीं हो जाता और वो अपने पैरों पर चलना नहीं सीख लेता। क्या दिन और क्या रात, माँ के लिए सब कुछ बदल जाता है। वो खाना भी खाती है तो अपने बच्चे के शेड्यूल के हिसाब से। जी हाँ, शिशु के जीवन और उसके पोषण का स्रोत माँ ही तो होती है। गौरतलब है कि अच्छा पोषण माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य की आधारशिला होती है। इससे बच्चों की सेहत भी अच्छी होती है और दोनों को ही बीमारियों से लड़ने में भी शक्ति मिलती है। गौरतलब है कि यदि होगा सही पोषण तभी तो हमारा देश होगा रोशन। लेकिन जरा सोचिए, क्या ऐसा हो रहा है? अभी भी एक बड़ी आबादी पोषाहार से वंचित है। सरकार के अथक प्रयास के बावजूद 3 दशकों से जहां डायबिटीज, मोटापा और दिल की बीमारी के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं, एक सर्वेक्षण के अनुसार 18.7 करोड़ महिलाएं एनीमिक पाई गई हैं। ऐसे में जरा सोचिए तो, कभी कहा है? शहरों की जगमग रोशनी है, गांव में लहलहाते खेत हैं, हमें खाने को तो सब कुछ है, फिर कभी कहा है? क्या आपकी थाली में पोषण की कमी है, या पोषण के बारे में हमें और आपको जानकारी ही नहीं है, या फिर अनाज उगाने वाले खेत ही बेदम हो चुके हैं? बता दें, ये अधूरा सच है। असली जड़ है बिगड़ते हुए भोजन के तरीके की। कहना गलत नहीं होगा, जब तक हमने पुराने और पारंपरिक खान पान के साथ कायदा बनाए रखा, एक डिसिप्लिन में रहे, तब तक हम स्वस्थ रहे। लेकिन जब से हम फाइन रिफाइंड और जीव चटोरी के हिस्सा बने, बीमार पड़ने लगे और अस्पतालों में पहुंचने लगे। बता दें, कुपोषण वह अवस्था है जब शरीर में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी रह जाती है। यह एक ऐसी स्थिति है जो तब विकसित होती है जब शरीर विटामिन, पोषक तत्वों और अन्य खनिजों से वंचित हो जाता है। बहरहाल, अब जरा पीछे लौटिए और पहचानिए ना इन अनाजों को। ये है बाजरा, ये है रागी और ये है ज्वार। इसी तरह ये है मड़ुआ। बता दें कि 2 दशक पूर्व यानी 2 दशक पहले ये सारे अनाज हमारी थाली का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन जीवन शैली की कदम ताल में हमने ही इन अनाजों को देहाती और गरीबों और जानवरों का भोजन समझा, और एक ऐसा वक्त आया कि इसे रसोई से बाहर निकाल दिया और जीव चटोरी के संसार में कदम रख दिया। आज वैज्ञानिक और डॉक्टर इन्हीं अनाजों को पौष्टिक बताकर खाने की सलाह दे रहे हैं। विशेषज्ञों की माने तो मोटे अनाजों में आसानी से पचने वाले फाइबर होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो लो सैचुरेटेड फैट के साथ लेने पर हृदय संबंधी बीमारियों को भी कम कर सकते हैं। कई रिपोर्ट ने इस बात का खुलासा किया है कि अगर देश में मोटा अनाज फिर से चलन में आ जाए तो 70% लोग न केवल कुपोषण से मुक्त हो जाएंगे बल्कि मोटापा, बदहजमी, डायबिटीज, अनीमिया, हार्ट कोलेस्ट्रॉल जैसी 36 बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं। चलते चलते आपको बता दें कि ये कुपोषित या कुपोषण को केवल गरीब बच्चों की समस्या मानने की भूल मत कीजिएगा। कुपोषण की समस्या आप और हमारे घरों के बच्चों में भी हो सकती है, जैसे खाना खाने में रुचि न होना, खेलने कूदने में दिलचस्पी न दिखाना, अपच और कब्ज की समस्या रहना, या फिर वजन का बहुत ज्यादा कम हो जाना, या फिर वजन का बहुत अधिक बढ़ जाना। ये सारे लक्षण कुपोषित बच्चे के लक्षण कहे जा सकते हैं। बता दें कि हर बच्चे में एक भारत होता है, फिर भी यदि वो कुपोषण से रोता है तो आप जागरूक बनिए। घर पर इन्हीं मोटे अनाजों को सुपर फूड बनाइए ताकि आपके बच्चे को बाहर का खाना ही पसंद ना आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पहल से स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में आगे बढ़िए, अल्प पोषण से बचिए। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। जी हाँ, सही पोषण से हो सकता है देश रोशन। ये थी मोटे अनाज और पोषण के प्रति एक ज्ञानवर्धक रिपोर्ट। आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं और साथ ही आपकी कॉल्स का इंतजार रहेगा। हमारा टोल फ्री नंबर आपके लिए उपलब्ध है, आप हमें कॉल करें और हमारे विशेषज्ञों से अगर कोई भी जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं, पोषण से जुड़ी हुई, लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर बताएं और उसका समाधान भी जानें, वो भी लाइव। तो आइए सबसे पहले हम इसी के बारे में बात कर लेते हैं कि दरअसल वो कौन कौन से
ऐसे कारक हैं जो कि हमारे पोषण तंत्र को या पाचन तंत्र को प्रभावित करते हैं और इससे हमारा जो पूरा मेटाबॉलिज्म है उसका उस पर प्रभाव पड़ता है। तो डॉक्टर कपिल, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि मुख्य कारक कौन कौन से हैं जो हमारे पाचन तंत्र से जुड़े हुए रहते हैं। सबसे पहले मेरा प्रणाम किसान भाइयों को। एक बात मैं शुरू में बताना चाहूँगा कि हमारे देश में जो ट्रेडिशनल फूड है, रोटी, दाल, चावल, हरी साग सब्जी, सीजनल फ्रूट्स, यही हमारा ट्रेडिशनल फूड है और यही हम सदियों से खाते आ रहे हैं। और जो भी ये ट्रेडिशनल फूड खाते हैं उनके अंदर बीमारियां बहुत कम होती हैं जी जी, उनका शरीर स्वस्थ रहता है। पर होता क्या है कि जब हम इन ट्रेडिशनल फूड के बजाय हम ये जो नए प्रकार के सीरियल्स आए हैं, गेहूँ है, चावल है, इसके ऊपर ज़्यादा सेवन करते हैं जी जी। तो हमारे शरीर के अंदर ये जो फूड्स हैं ये उतने लाभकारी नहीं होते हैं। मैं आपको ये मोटे तौर पे बताता हूँ कि पहले किसान से दो ही फसल लेता था जी जी, रबी की और खरीफ की, और उसी के अंदर वो कंपोस्ट खाद डाला करता था जिसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। और इसके साथ ऐसा देखा गया था कि जो फूड होता है, जो चावल के दाने हैं, गेहूं के दाने हैं, बाजरा है, इन सब के अंदर जो जमीन से जो लेते थे, तत्व लेते थे, वो रिच होते थे जी जी। अब क्या हो रहा है कि हम पांच पांच फसल लेते हैं एक उसी जमीन से एक साल के अंदर जी जी। तो शरीर जो धरती है, जो सॉइल है, उसके अंदर पोषक तत्वों की कमी हो गई है। और इसके कारण क्या देखा जाता है कि ये जो सीरियल्स हैं, खास तौर से चावल और गेहूं, इसके अंदर पोषक तत्व कम है। जब इनमें पोषक तत्व कम है तो हमको शरीर को भी पोषक तत्व कम मिलते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम अपना सिंपल दाल, रोटी, चावल, हरी साग सब्जी, सीजन के फ्रूट्स, वेजिटेबल अगर खाते हैं तो हमको कभी भी कोई प्रकार की पाचन की समस्या नहीं होगी। पर अगर हम इसके अलावा किसी एक चीज़ को ज़्यादा खाते हैं, रिफाइंड फूड्स को खाते हैं, रिफाइंड आटा खाते हैं जी जी। तो बट नेचुरल है, हमारे को समस्याएं हो सकती हैं जी। बिल्कुल। तो मतलब सर, मुख्य रूप से फिर कारक कौन से हुए जिनका प्रभाव हमारे पाचन तंत्र पर पड़ते हैं? देखिए, जहाँ तक पाचन तंत्र की बात है वो हमारा ट्रेडिशनल फूड से बिल्कुल ठीक रहता है। पर अगर हम फैट ज़्यादा मात्रा में लेते हैं या हम प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, जैसे हमारे खाने के अंदर 4 चम्मच से ज़्यादा घी नहीं होना चाहिए, 20% जो टोटल कैलोरीज हैं वो हमारे को पूरे शरीर के अंदर उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पर हमने ऐसा देखा गया है कि लोग खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए उसमें ज़्यादा घी और तेल का इस्तेमाल करते जी, हैं जी बिल्कुल। और ये एक प्रमुख कारण है हमारे पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचाने के लिए जी बिल्कुल। यानी जो खान पान है वो बहुत संतुलित होना चाहिए, किसी भी, चाहे वो प्रोटीन हो या फैट हो, एक जो निश्चित मात्रा है, जो जितने आपके शरीर को आवश्यकता है उसी में ही लेना बेहतर है अगर आप चाहते हैं कि आपका पाचन तंत्र दुरुस्त बना रहे। अब मैं डॉक्टर गरिमा आपसे जानना चाहूँगी कि जब हम पोषण, कुपोषण और इस तरह की बातें करते हैं तो आमतौर पर इसमें चुनौतियाँ किस तरह की दिखाई देती हैं? जब हम न्यूट्रिशन की कमी देखते हैं बच्चों में भी या वयस्कों में, तो इस न्यूट्रिशन को पहुंचाने में कौन कौन सी अड़चनें हैं, कहां कमी दिखाई देती है? देखिए, अगर बात करें कुपोषण यानी माल न्यूट्रिशन की, तो ये एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ कमी है। ओवर न्यूट्रिशन भी इसी कुपोषण के ही अम्ब्रेला के अंदर में आता है। मीन्स अगर हम किसी चीज़ को ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं तो वो भी कुपोषित ही कहलाएगा, क्योंकि एक चीज़ ज़्यादा हो गई तो ऑब्वियस है कि दूसरी चीज़ अपने आप कम हो जाएगी। तो यानी कुछ विटामिन्स, मिनरल्स उसकी बॉडी में कम होंगे। तो अगर हम कुपोषण को विभाजित करें तो उसमें जो मेजर आता है वो आता है आपका अल्प पोषण यानी अंडर न्यूट्रिशन। यानी जितना शरीर को ज़रूरत है आपकी एज के अकॉर्डिंग, आपके सीजन के अकॉर्डिंग, वो आप नहीं ले पा रहे हैं।
और दूसरा आता है ओवर न्यूट्रिशन, जी मींस जितनी जरूरत है उससे ज्यादा ले रहे हैं। जैसे आजकल देखा गया है कि छोटे बच्चों में ओबेसिटी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। उसका मेन रीजन यही है कि वो ओवर न्यूट्रिटेड है। उन्हें जिस चीज पे फोकस करना है, या उनकी हो सकता है कि न्यूट्रिशन प्रॉपर है लेकिन उनकी लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, वो उस चीज को प्रॉपरली कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, बॉडी में वो चीजें बर्न आउट नहीं हो रही। और तीसरा आता है आपका स्पेसिफिक विटामिन या मिनरल्स की डेफिशिएंसी, जो आज के टाइम पे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसके अगर आप कारण जानना चाहते हैं तो बेसिकली इसका ये सबसे पहला मुख्य कारण जो है वो है जानकारी का अभाव। जी। कई बार हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। जी 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 बिल्कुल। तो जानकारी का अभाव जो है वो उसका मुख्य कारण है। दूसरा जो आप अगर कारण देखते हैं तो वो रिसोर्सेज की कमी, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारे जो अनाज आज के टाइम पर उपलब्ध है उनमें वो पोषक तत्व ही उपलब्ध नहीं है, या हम इकोनॉमिकली उतने एबल नहीं है कि हम उस चीज़ को ले सकें। हमें पता तो है लेकिन हम नहीं ले सकते। तीसरा जो मुख्य बाधक कारण है वो है हमारी डाइजेस्टिव फायर, या जिसे हम कहते हैं आयुर्वेद में अग्नि। जी जी। हम अग्नि का आकलन करना भूल जाते हैं। कई बार हम क्या होता है कि हमें पता है कि हाँ ये सारी चीजें होनी चाहिए हमारी थाली में, हम उसको लेते भी हैं, लेकिन हमारी अग्नि है मंद, तो वो उन चीजों को पचाती नहीं है। जी जी बिल्कुल। तो ये सारे कारण जो है बिल्कुल, तो कई कारण आपने अभी गिनवाए और कुछ और बातों पर हम और विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर है, आइए उनका हम सवाल लेते हैं। हमारे साथ मोहम्मद सबीर जी हैं जिन्होंने प्रतापगढ़ से फोन किया है। सबीर साहब बताएं क्या सवाल है आपका, राजस्थान से हमारे साथ। जी शबीर साहब सवाल बताइए। हाँ जी बताइए, जी बताइए क्या प्रश्न है आपका। शबीर जी बोल रहा हूँ। जी बताएं, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। अपना प्रश्न बताएं, क्या समस्या है, किसके बारे में क्या जानना चाहते हैं। मेरे पेट पेट में मतलब पेट फूल जाता है और गैस बनती है बहुत। पेट फूल जाता है और गैस बनती है, सर कुछ और पूछना चाहेंगे। पेट फूलता है मतलब इतना फूल जाता है, हवा हवा कुछ जाती है, और कॉन्स्टिपेशन को खत्म करने के लिए आपको ऐसे खाने खाने चाहिए जिसके अंदर फाइबर ज्यादा हो, माने रेशा जिसे हम कहते हैं, रेशा ज्यादा हो। अब जैसे फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स को आप पूरी मात्रा में लीजिएगा, पूरा पूरा का पूरा खाइएगा, छिलका मत उतारिएगा। जैसे आपके पास अमरूद है और भी कई प्रकार के सेब है, या आप जो आटा लेते हैं उसको पूरी तरीके से पूरा उसके अंदर खल होना चाहिए, उसमें मतलब उसको मतलब कि छान के मत बनाइएगा। तो अगर आप अपने आप की कॉन्स्टिपेशन दूर करेंगे तो आपको काफ़ी सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। जी जी, तो आप इन्हें यही सजेस्ट करना चाहते हैं कि जो इनका खान पान उसे थोड़ा बेहतर करें, रिफाइंड जो आप जिस तरह के पदार्थ होते हैं वो कम लें या फिर ना ही लें, और रफेज को, रेशे को अपने भोजन में ज़्यादा शामिल करें, ये आपके पाचन तंत्र को और बेहतर करेगा। और अगर आपके और भी कोई सवाल है, अन्य दर्शक जो हमें देख रहे हैं कुछ जानना चाहते हैं कुछ पूछना चाहते हैं, तो बिल्कुल हमें फ़ोन करें। हमारे टोल फ्री नंबर लगातार टेलीविज़न स्क्रीन पर आपके लिए फ्लैश हो रहे हैं, नंबर नोट करें और हमें फ़ोन करें। अब बात करते हैं सर, जैसे कि हमारे दर्शक थे इन्होंने भी बताया कि कैसे इन्हें कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है, पाचन की समस्या रहती है, और यहाँ पर यह समझना बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरह का भोजन अपने डाइट में ले रहे हैं। लेकिन ये भी हम समझते हैं कि चर्बी जो है वो एक दिन में नहीं जमा होती, कि आपने आज गड़बड़ खा लिया और वो जमा हो गए, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, और इसी दौरान आप कहीं ना कहीं फैटी लीवर का भी शिकार हो जाते हैं, तो इसे किस तरीके से समझा जाए। देखिए, जहाँ तक फैटी लीवर की बात है और चर्बी की बात है, आप ये बात को बड़े मोटे तौर पर समझिएगा कि जैसे आप बैंक में कुछ पैसा डालते हैं और आप निकालते नहीं हैं तो आपका फिक्स डिपॉजिट बढ़ता चला जाता है। जी जी। उसी प्रकार से अगर आप ज़्यादा खाना खा रहे हैं, ज़्यादा फैट एंड ऑयल ले रहे हैं, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, ज़्यादा प्रोटीन ले रहे हैं, तो जो बॉडी के अंदर ये सारी चीज़ें जाके फैट में कन्वर्ट हो जाती हैं, और कन्वर्ट होने के बाद एक जो सबसे प्रमुख एरिया है वो हमारा लीवर होता है, जहाँ पर जाके वो चीज़ें फैट के रूप में जम जाती हैं। अब इसको हम फैटी लीवर कहते हैं। बाय एंड लार्ज ग्रेड वन ग्रेड टू फैटी लीवर हम अधिकतर 60% लोगों में होता है, पर
ये एक्सीडेंटली जब हम किसी और इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं तब हमको मालूम पड़ता है। जब ग्रेड 3 फैटी लीवर होता है तो हमको उबासी ज़्यादा आती है, थकान ज़्यादा होती है, काम करने में मन नहीं लगता है, तब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो फैटी लीवर मिलता है जी। इसका सिंपल सा मतलब बचाव का तरीका है कि आप ज़्यादा एक्सरसाइज करें और फैटी चीज़ें कम खाएं, और अगर आपको 5 चपाती की भूख है तो आप 4 चपाती पे ही रुक जाएं, तो आपको जो फैट आपके बॉडी के अंदर है वो आपका कम होगा। और दूसरा, खूब चलें जी जी, खूब फिजिकल एक्टिविटी करें, और आपके खाने के अंदर रोज 3 या 4 चम्मच से ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, यानी जो चिकनाई हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो तेल हो या घी हो। और एक बात और समझिएगा आप कि ये जो फैट होता है, एक तो विजिबल फैट होता है जो आप खा रहे हैं, दिखता है आपको, एक इनविजिबल फैट होता है जैसे मूंगफली है। मूंगफली के अंदर अगर आप पूरी खाते हैं तो मूंगफली के अंदर मूंगफली का तेल भी निकलता है, वो आप तेल भी खा रहे हैं क्योंकि वो इनविजिबल फैट है। तो मेक श्योर, आपको कोशिश करनी चाहिए कि विजिबल और इनविजिबल फैट का एक सामान्य रूप से 20 ग्राम फैट विजिबल हो और 20 ग्राम से ज़्यादा इनविजिबल ना हो। तो इससे क्या होगा कि आपके बॉडी के अंदर जो एनर्जी जा रही है वो संतुलित रहेगी, ये आप समझ के रखिएगा। जी जी बिल्कुल ठीक है सर, आपने बहुत, एक तो ये बहुत अच्छी बात बताई कि कई ऐसे चीज़ों का भी हम सेवन करते हैं जिनमें फैट होता है लेकिन बिकॉज विजिबल नहीं है या हम उसे देख नहीं पा रहे या फिर हमारी सोच इस तरह की नहीं कि इसमें भी फैट हो सकता है, जिसमें मूंगफली का एक आपने अभी यहाँ पे उदाहरण दिया, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। और आगे भी मैं आपसे कुछ और बातें जानूंगी, उससे पहले कॉलर हैं उनका हम सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ मुकेश अवस्थी जी हैं शाहजहांपुर से, आइए बात करते हैं जी। मुकेश जी बताएं क्या सवाल है आपका। सवाल है कि जो छोटे बच्चे होते हैं 5-6 महीने, जो कोई यूरिन पेशाब करते हैं तो उसमें खड़िया जैसी मात्रा आ जाती है, सफेद रंग का आने में लगता है जी, किस वजह से आ जाता है और इसका इलाज क्या है? नहीं, आपका जो क्वेश्चन है वो समझ में नहीं आया, खड़िया का मतलब क्या कहते हैं? जिसे धात कई बार कहते हैं कि हेलो पेशाब में जाने लगता है। जी हेलो मुकेश जी, खड़िया जो आप बता रहे हैं आप थोड़ा समझाएंगे? हमने जैसे हमने कहा जो छोटे बच्चे 5-6 महीने जब पेशाब करते हैं तो वो पेशाब करने के बाद उसमें खड़िया जैसा बना रहता है, जैसे खड़िया सफेद रंग की होती है वैसा पेशाब गंदला टाइप हो जाता है। अच्छा, इनके कहने का मतलब है कि जैसे पेशाब किया बच्चे ने और कपड़ा सूखता है तो उसमें वो सफेद सफेद मतलब सॉल्ट एक तरीके से, बच्चा यूरिन करता है तो वो सफेद सफेद जम जाता है। और कोई समस्या है बच्चे को? नहीं, और कोई समस्या नहीं, ठीक है, बाकी सब ठीक है। माँ का दूध पीता है? जी, चलता फिरता है? 6 महीने? नहीं, अभी छोटा है, 6 महीने। नहीं, मतलब कि हाथ पैर हिलाता है, एक्टिव है बच्चा? एक्टिव है, हाथ पैर हिलाना, आई कांटेक्ट एक्टिव है, हंसता है, वो एक्टिव है, बिल्कुल एक्टिव है। ठीक है, आप ऐसा करिएगा कि आसपास किसी डॉक्टर जो हैं, बच्चे का जो डॉक्टर है उसको बताइएगा, वो आपको सही सलाह देंगे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे जो हम बात करते हैं वो लाखों करोड़ों लोगों के लिए बात करते हैं, एक खास बच्चे के लिए बात नहीं करते, तो यहाँ से एडवाइस करना और डायग्नोस करना थोड़ा सा गलत होगा। बेटर ये रहेगा कि आप किसी अपने जो लोकल प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उसके किसी डॉक्टर को दिखाइएगा और कपड़ा लेके जाइएगा कि बच्चे का इस प्रकार से होता है, ठीक है भाई? जी बिल्कुल। और बाकी जो आपने वाइटल्स बताए सर, वो सब सही बता रहे हैं ये तो? हाँ। बच्चे का देखिए, अगर कोई बच्चा बीमार होता है तो सबसे पहला क्या लक्षण होता है? हाँ। कि उसकी भूख मर जाती है। जी। कोई भी बीमारी हो बच्चे की, अगर सबसे पहले जो छोटा बच्चा है उसका अगर बीमारी है तो उसका दूध पीना बंद हो जाता है या दूध पीना कम हो जाता है, सर ये सबसे पहला लक्षण है। जी। जब आप बता रहे हैं कि बच्चा स्वस्थ है, दूध पीता है, बाकी फिजिकल एक्टिविटी खूब है उसकी, हाथ पैर चलाता है, तो घबराने की बात नहीं है। जी बिल्कुल। और यहाँ पर हमें एक छोटे से ब्रेक ले रुकना होगा, लेकिन आप कहीं मत जाएगा, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होंगे और कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी, आपकी कॉल्स भी लेंगे और कैसे आपका पाचन तंत्र दुरुस्त हो इससे जुड़ी कुछ और बातें जानेंगे अपने विशेषज्ञों से। देखते हैं स्वस्थ किसान।
फसल के बारे में, किसी तकनीक के बारे में, या खेती से जुड़ी किसी विधि के बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ। कृषि विशेष कार्यक्रम के लिए हम लोग पहुँचे हैं चंबल के बिहड़ों में। ये मुरैना जिले का एक क्षेत्र है जहाँ पर गुग्गल और सतावर की खेती होती है। कारोबार के किस्से, कुछ कामयाबी की दास्तानें, देखिए कृषि विशेष में बुधवार और शनिवार शाम 7 बजे और प्रतिदिन सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। कृषि विशेष बुधवार और शनिवार शाम 7 बजे और पुनः प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। और ब्रेक के बाद स्वस्थ किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के स्वस्थ किसान में हम बात कर रहे हैं मोटे अनाज की यानी बिखरे हुए तिनकों की सामूहिक हंसी के बारे में। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे आपका पाचन तंत्र दुरुस्त हो, कैसे बेहतर हो, तो इसके बारे में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं। इससे जुड़े हुए अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमारे विशेषज्ञों से सीधे बात कर सकते हैं। अब पोषण की बात चली रही है तो गरिमा जी, मैं यहाँ पर बच्चों के बारे में जानना चाहूँगी। अक्सर माता पिता की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि मेरा बच्चा दुबला पतला क्यों है। हम ये सोचते हैं कि मोटा होना, चबी होना, यही पोषण की निशानी है। क्या इसका उलट भी हो सकता है? एक स्वस्थ बच्चा किसे कहें, किसे हम माने कि इस बच्चे में पोषण भरपूर है, चाहे वो मोटा है या पतला है, कैसे इसे समझा जाए? देखिए, अगर बात पोषण की है तो उसका जो पैरामीटर है वो आपकी फिजिक, मतलब आपका आउटर अपीयरेंस कभी भी नहीं हो सकता। और बच्चों के केस में तो खास तौर पे उनका जो भी डेवलपमेंट है, यानी जिस भी एज से है वो, उस एज ग्रुप का जो भी डेवलपमेंट है वो अगर प्रॉपर है और बच्चा आपका एक्टिव है, और सबसे अहम बात जो ध्यान देने की है वो उसकी भूख, अगर उसे टाइम से भूख लग रही है और जो वो खा रहा है उसके बाद उसे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम महसूस नहीं हो रही कि उसे कब्ज हो रहा है या एसिडिटी फील हो रही है, तो इसका मतलब वो पोषित है। ज़रूरी नहीं है कि उसके ऊपर फैट की एक लेयर होनी चाहिए या वो चबी दिखे तभी वो हम उसे कहें कि हाँ ये स्वस्थ बच्चा है, ऐसा नहीं है। स्वस्थ के लिए मीन्स वो एक्टिव होना चाहिए और जो भी उसके एज ग्रुप का जो भी डेवलपमेंट है वो प्रॉपर है। जी जी, एक कॉलर है, आइए उनसे बात करते हैं। विपिन है सागर से, मध्य प्रदेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विपिन जी स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में, बताइए क्या सवाल। जी नमस्कार, सवाल बताएं। जी मैम, मेरे दो सवाल है। पहला सवाल मैम ये था कि जो भी हम मान लीजिए अपने जीवन में हर चीज पोषण खा रहे हैं, मतलब हर चीज से यूज करते हैं, लेकिन खाने तक तो सीमित नहीं, मतलब हम इन चीजों को कैसे समझे कि हम जो पोषण ले रहे हैं वो हमारे शरीर को 100% लग भी रहा है या फिर हमारे शरीर में किसी तरह की पोषण की कमी नहीं है, इस चीज को हम कैसे जाने? ठीक है, दूसरा सवाल था कि अक्सर डॉक्टर रिफाइनरी तेलों को मना करते हैं कि इन्हें कम खाना चाहिए, तो क्या इसी कैटेगरी में देसी घी भी आता है, क्या इसे भी कम खाना चाहिए या फिर नहीं? ठीक है, बहुत अच्छे सवाल हैं आपके। तो सर, एक तो पहला इनका ये है सवाल कि हम कैसे जाने कि जो हम खा रहे हैं, जैसे कहते हैं ना, कई बार कहते हैं इसके शरीर को लगता नहीं है, ये इतना खाता है, इतना खाती है, लेकिन शरीर को लगता नहीं, तो ये पोषण हमें उपयुक्त मिल रहा है, उचित मिल रहा है या नहीं, ये हम कैसे सुनिश्चित करें? विपिन जी का पहला सवाल था जो कि बहुत अच्छा सवाल है। और दूसरा कि जो हम कहते हैं रिफाइंड, वो जो हम वसा की बात करें, जो हम फैट की बात कर रहे हैं, उसके अच्छे सोर्स क्या हैं, क्या घी उस कैटेगरी में आता है या नहीं? सर या देखिए, ऐसा है कि ज़रूरी नहीं है कि आदमी अगर दुबला पतला और लंबा है तो वो कमज़ोर है। अगर आप देखेंगे विश्व के अंदर जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स हुए हैं, सब इकहरे बदन के हैं और कई कई घंटे और कई कई मील वो दौड़ते हैं, चलते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये कि सोचना है कि आदमी का मोटा होना या थोड़ा सा चबी होना ही एक लक्षण है स्वस्थ होने का, वो बिल्कुल गलत है। दूसरा सवाल है कि फैट का, फैट के अंदर बड़ा सिंपल सा तरीका है। आप जितना भी फैट खाते हो, जैसे अगर 20 ग्राम विजिबल और 20 ग्राम इनविजिबल फैट खाते हो और आप उतनी ही एक्सरसाइज करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। देखें ना, कभी आपने रिक्शा वाले को मोटा देखा? नहीं देखा। पर आपने टैक्सी वाले को, बस ड्राइवर को, ट्रक ड्राइवर को मोटा देखा होगा। क्यों?
कि फिजिकल एक्टिविटी ही नहीं करते ये टैक्सी ड्राइवर, बस वाले और ट्रक ड्राइवर। तो और उसके हिसाब से कंपैरिजन देखिए कि आप रिक्शा वाले को कितनी एक्सरसाइज करता है, वो कभी मोटा हो ही नहीं सकता, कितना ही वो फैट खा ले, कुछ भी खा ले, क्योंकि जितना खा रहा है उसने उतना ही निकाल रहा है एनर्जी को। ठीक है, तो ये मोटी सी बात आप समझिए। और जहाँ तक देसी घी का सवाल है, ज़्यादातर लोग देसी घी को एक ट्रेडिशनल है कि हमारा घी एक स्वाद बढ़ाता है, वो वास्तव में स्वाद बढ़ाता है देसी घी, इसमें कोई शक नहीं है। पर व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि अगर आप 4 चम्मच देसी घी खाते हैं रोज़, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप 100 ग्राम 200 ग्राम घी खाते हैं तो वहाँ दिक्कत आती है कि ज़्यादा जो फैट होता है वो हमारी धमनियों में जाकर जम जाता है कोलेस्ट्रॉल के रूप में, और फिर हमको दिक्कत करता जी है। एक कॉलर है नंद स्वरूप मिश्रा है जिन्होंने हमें कॉल किया है, आइए बात करते हैं जी। बाराबंकी से हमारे साथ फोन लाइन पर है जी। जी सर नमस्कार, बताएं अपना सवाल। हाँ नमस्कार, मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसे कौन से मोटे अनाज हमें लेना चाहिए जिसमें पोषक तत्व हो, उसमें लौह तत्व हो, कैल्शियम हो, विटामिन हो, प्रोटीन हो, बताओ। और कितनी कैलोरी हमें लेना चाहिए, साथ में कितना जल लेना चाहिए, कितना फल लेना चाहिए। कम खाएंगे तो दुबले रह जाएंगे, ज्यादा खाएंगे मोटे हो जाएंगे, तभी तो नुकसान हो सकता है। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है डॉक्टर गरिमा, क्या बताना चाहेंगी? पहले तो ये कि मोटे अनाज कौन कौन से मोटे अनाज, मुझे लगता है न्यूट्रिशन जानना चाहते हैं कि इसमें किस तरह के न्यूट्रिशन से। जी नंद स्वरूप जी, मोटे अनाज जो है इन्हें नेचुरली कहा जाता है कि ये सभी तत्वों से भरपूर हैं, और जो इस पे सबसे मेन खास बात है वो है ये लघु है, यानी पचने में बहुत ही हल्के हैं। इनको आप खाएंगे तो कभी भी आपको कब्जी या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। और विशेषकर अगर आप जाना चाहते हैं कि हाँ कैल्शियम के लिए अगर एग्जैक्टली हमें क्या डेफिशिएंसी है तो हम कैल्शियम के लिए क्या खाएं, तो देखिए कैल्शियम के लिए जो कहा जाया है वो रागी को ज़्यादा फोकस किया गया है, कि अगर आपके बच्चे में या प्रेग्नेंट मदर में आजकल क्या होता है बहुत ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत भी होती है, तो उनको रागी की चीज़ें आप अगर एडवाइस करो या उनके डेली के जो खान पान है उसमें रागी ऐड कर दो किसी रूप में, तो वो नेचुरल सोर्स है आपका। उसी तरह अगर आप हड्डियों की बात करें कि हाँ मुझे हड्डियाँ मजबूत चाहिए, या तो उसके लिए आपका ज्वार है, रागी है, ये सारी चीज़ें जो हैं इनमें बहुत ज़्यादा मैग्नीशियम, फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जी जी, तो अगर आप मतलब किसी भी चीज़ को आप अलग नहीं छोड़ सकते हैं, सभी मोटे अनाज आपके लिए सेहतमंद हैं, सभी को आप अगर सामूहिक रूप से लेके चलें। लेकिन बस मैं यहाँ पर एक चीज़ ये ऐड करना चाहती हूँ कि हमें अपने खान पान को एक चीज़ की तरफ रुख नहीं करना है, उसमें हर एक चीज़ को शामिल करना है। ये नहीं कि हमने सिर्फ रागी को अडॉप्ट कर लिया, बाकी चीज़ों को छोड़ दिया और उसी रागी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं जी, तो वो भी एक टाइम के बाद आपके लिए हेल्पफुल ज़्यादा नहीं हो पाएगा। जी बिल्कुल। और दूसरा इनका सवाल ये था कि सही मात्रा या फिर ये कहें कि कितनी कैलोरीज, एक स्टैंडर्ड कैलोरीज जो है एक वयस्क को कंज्यूम करनी चाहिए। देखिए नंद स्वरूप जी, अगर हम अपने खाने पर मन एकाग्र करके रखें और हमारी जो थाली है वो षड रसात्मक हो, मीन्स उसमें मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, जो हमारे पूर्वज हमेशा खाते थे, उसमें थोड़ी सी चटनी होती थी, एक आम का अचार होता था, थोड़े से पापड़ होते थे, सलाद होता था, दही भी होता था, सब्जी भी होती थी, अगर हम इस रूप में अपनी थाली को ग्रहण कर रहे हैं, ले रहे हैं, और सिर्फ दिन में 2 बार, बार बार खाने की एडवाइस मैं अपने पेशेंट्स को भी नहीं करती हूँ कि हमें हर वक्त मुँह चलाते रहना है, ये बहुत ही गलत है, तो हमें कैलोरी काउंट करने की ज़रूरत पूरी ज़िंदगी नहीं पड़ेगी। जी अब एक और कॉलर है सुभाष जी है जिन्होंने हमें भिवानी से कॉल किया है। सुभाष चंद्र जी फोन लाइन पर है जी। सुभाष जी बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो हेलो जी सुभाष जी बताएं सवाल। हेलो जी सर अपना सवाल बताइए, टेलीविजन को पहले म्यूट कर दें ताकि हम आपको स्पष्ट रूप से सुन सकें। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। हेलो नमस्कार मैम। नमस्कार जी, मेरा सवाल ये है कि मेरा एक पोता है 4 साल का। ठीक है। हेलो जी हम सुन रहे हैं, आपका पोता है 4 साल का, आगे बताएं। हाँ 4 साल का पोता है, वो मतलब खाता पीता नहीं है कुछ, दूध वगैरह कुछ नहीं पीता है वो, और बीमार हो जाता है, महीने में एक बार जरूर बीमार हो जाता है। इसको उसकी हेल्थ के लिए कुछ ऐसा कोई जी डॉक्टर गरिमा आप कह भी रही थी कि एक स्वस्थ बच्चे के लिए भी बहुत आवश्यक है कि उसकी एपेटाइट, उसकी भूख अच्छी, कुछ नहीं पीता है और
इसके बारे में क्या बताएं? देखिए महीने में बीमार हो जाता है, सर्दियों में तो रहता ही बीमार। सुभाष जी उसकी बाकी चीजें नॉर्मल है, वो एक्टिव है, खेलता है अपने साथ के बच्चों के साथ, पढ़ाई पे अपना फोकस कर पा रहा है। सुभाष जी क्या आप सुन पा रहे हैं हमें? देखिए मैं बस यहाँ पर इतना कहना चाहूंगी कि जैसा आपने बताया कि वो दूध नहीं पीता, खाने में उसका जी जी बताइए। हाँ जी हाँ बाकी मैं ये बोल रहा हूँ मैम जी। हाँ बाकी फिजिकल एक्टिविटी ठीक है जी उसकी, बच्चों के साथ खेलता भी है, वैसे फिजिकल भूख भी लगती है लेकिन वो कुछ खाता पीता नहीं है। मुझे लगता है गरिमा जी ये बहुत रुझान कम है कि बाकी सभी चीजें नहीं खाता। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को दूध नहीं पसंद होता है या एक्स्ट्रा उन्हें वो चीज़ नहीं पसंद है, तो उसको हम किसी और रूप में उनके खान पान में शामिल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसको ग्लास में दूध ही पीना है, हो सकता है उसे आप उसकी रबड़ी बना दीजिए या उसके लिए खीर बना दीजिए, पनीर के रूप में उसको ऐड कर दीजिए। और अगर ओवरऑल वो किसी भी चीज़ पे खाने में उसका इंटरेस्ट नहीं है, सामने प्लेट आती है तो फिर उसको बिल्कुल मन नहीं करता, तो मेरी सलाह ये है कि हो सकता है कि जो उसकी अग्नि है यानी डाइजेस्टिव फायर है वो मंद हो गई है किसी भी रीज़न से। तो एक बार आप अगर पास पे कोई भी चिकित्सक है, कोई भी डॉक्टर है, उनसे परामर्श ले लीजिए तो वो आपके लिए हेल्पफुल हो। डॉक्टर गरिमा यहाँ पे मैं ये भी जानना चाहूँगी कि कई बार हम बच्चों से ओवर एक्सपेक्ट भी करने लगते हैं कि एडल्ट की तरह ही वो खाएंगे बैठकर उसी तरीके से उनकी थाली सजाकर। एक 4.5 साल के बच्चे को कितना खाना चाहिए हो, और क्योंकि हमारे साथ ये भी है कि हम उठने के साथ ही बच्चे को कुछ ना कुछ खिलाना शुरू कर देते हैं, उसे खुद से भूख लगे इसका मौका ही नहीं देते। जी मैं वही चीज़ बताना चाह रही थी कि मैंने अभी द्विकाल भोजन यानी 2 बार दिन में खाना है प्रॉपर डाइट, बार बार मंचिंग करना जिसे हम कहते हैं वो बहुत ही गलत है हमारी अग्नि के लिए। वो हमारी अग्नि को क्या है, एक्स्ट्रा उस पर लोड डालती है, तो किसी भी चीज़ पे एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा तो वो एक टाइम के बाद स्लो डाउन हो जाएगी, फिर हम जो भी खाएंगे वो पचेगा नहीं, फिर पचेगा नहीं तो शरीर में लगेगा नहीं, तो दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है। इसलिए बार बार बच्चों को फोर्स नहीं करना है कि नहीं आपको अभी खाना है, 2 घंटे हो गए आपने कुछ नहीं खाया तो आपको कुछ खा लेना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चा अगर उसे भूख लगेगी, जितनी एनर्जी उसे चाहिए होगी वो ऑटोमेटिकली आपसे मांगेगा कि हाँ अब मैं स्लो डाउन हो रहा हूँ, मुझे कुछ खाने को दो। जी जी बिल्कुल। देखिए ऐसा है, मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि आप ऐसा करो, अपने बच्चे को अलग थाली के अंदर, अलग प्लेट के अंदर उसको खाना दो। ग्रैंड पेरेंट्स को हमेशा ये लगता है कि मेरा बच्चा कम खाता है, आप कभी महसूस नहीं कर सकते हो कि उसने कितना खाया। जी जी। तो बच्चे के लिए खास तौर से एक अलग थाली में खाना दीजिएगा, तब आपको तसल्ली होगी इस बच्चे ने कितना खाया। जी। और एक बात और बताना चाहूँगा यहाँ पे कि जैसे मैम ने बताया रागी के बारे में, देखिए रागी जो है वो कर्नाटका में होती है, ठीक है, हमारे यहाँ पे नॉर्थ में नहीं मिलती। तो नॉर्थ में जो है बाजरा है सबसे अच्छा मिलेट है, उसके अंदर आयरन, जिंक, कैल्शियम, बाकी मिनरल्स जैसे मैम ने बताया सब होते हैं। आप खूब मात्रा में बाजरा खाइएगा, और बाजरे के साथ आप हमेशा दाल लेते हैं, ये दाल और बाजरा इज़ अ कम्प्लीट फूड, उसमें कोई दिक्कत नहीं है जी। और ये भी मत सोचिएगा कि वेजिटेरियन फूड कमज़ोर होता है, हाथी भी वेजिटेरियन है, घोड़ा भी वेजिटेरियन है, आपका जो गैंडा होता है वो भी वेजिटेरियन है, ठीक है, तो ताकत की कमी नहीं होती उनमें। जी जी जी। वेजिटेरियन फूड इज कंप्लीट फूड। बिल्कुल सर। पर ये है कि हमारा जो वेजिटेरियन फूड होता है जैसे दाल और चावल है, उसके अंदर कैलोरी की मात्रा कम होती है। जी जी। तो कैलोरी की मात्रा बढ़ाने के लिए हमें फ्रीक्वेंटली खाना पड़ेगा, और बच्चे को खिलाना आसान नहीं है। कभी भी आप खिला के देखिएगा 1 साल के बच्चे को, कितना मुश्किल है खिलाना। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर। ये बहुत जब वो खाता नहीं है तो उसके अंदर कैलोरी की कमी हो जाती है। जी। वो रिफ्लेक्ट करती है, उसकी हाइट छोटी हो जाती है, वो बौना हो जाता है, वो पतला हो जाता है। तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि जी जी बिल्कुल सॉरी। अब अगला हमारे पास सवाल है सर, ये एक ईमेल आया है हमारे पास, लैपटॉप सवाल है। ये हमारे आगरा से दर्शक है मोहित, जानना चाहते हैं कि दिन भर ऊर्जावान बने रहने के लिए जो आहार वो ले रहे हैं, जो दाल चावल सब्जी और सलाद की हम बात करें, एक संतुलित आहार, इसके अलावा और क्या लेना चाहिए कि एक एक्स्ट्रा एनर्जी बनी रहे, क्या बताना चाहेंगे डॉक्टर गरिमा?
देखिए पहले तो मैं उनकी एज जानना चाहूंगी कि उनकी उम्र क्या है। तो सर मैम इन्होंने नहीं लिखी है, क्योंकि जो आहार की मात्रा होती है या कैलोरी काउंट कह लें या जो ऊर्जा के लिए आपकी नेसेसरी चीज़ें हैं वो आपकी एज के अकॉर्डिंग ही डिफाइन की गई हैं। अगर उनकी एज मतलब रेगुलर 20-40 के बीच में है तो वो थोड़ा सा, अगर उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है तो प्रोटीन इनटेक जैसे पनीर है, दूध की चीज़ें हैं, ये बढ़ा सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ उनको उतना वर्कआउट या उनकी लाइफस्टाइल सेडेंटरी नहीं होनी चाहिए। एक हमारे पास कॉलर है कपिल जी हैं जिन्होंने हमें सोनीपत से फ़ोन किया है, आइए उनसे बात करते हैं। जी कपिल जी स्वागत है स्वस्थ किसान में, बताएं क्या जानना चाहते हैं आप। हेलो नमस्कार मैडम, मैं कपिल शर्मा बोल रहा हूँ। जी नमस्कार कपिल जी। मैडम मेरे को एक समस्या रहती है जो मेरा खाना पीना जो है ठीक से नहीं पचता जी। अच्छा डाइजेशन की समस्या आपको आती है। हाँ जी मैं जो बहुत परेशान हूँ, जो कुछ भी खाता हूँ तो गैस टाइप का लगता है मेरे को। जी सर डाइजेशन के बारे में अब मुझे लगता है कि ये तो बहुत आज का हमारा विषय ही यही है, तो मैम आपसे पहले मैं समझना चाहूँगी कि हमारा डाइजेशन अच्छा रहे, जो हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं उन्हें किस तरह का हमें रखना चाहिए, क्या कब और कितना खाना चाहिए। जी देखिए आहार की मात्रा की अगर बात करें तो आहार की मात्रा जैसे कि हम निर्धारित कर लेते हैं कि हाँ हमें 2 रोटी खानी है, 4 रोटी खानी है या इतना चावल लेना है, इतना दही लेना है, ये ऐसा नहीं होता है। आहार की मात्रा जो है कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकती किसी भी चीज़ के लिए, वो हमेशा वैरी करेगी, वो आपकी ऋतु के अनुसार भी वैरी करेगी। जैसे ठंड में है आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, उस वक्त आपकी एनर्जी ज़्यादा चाहिए यानी आपकी आहार की मात्रा बढ़ जाएगी। उसी तरह गर्मियाँ जब आ जाती हैं तो हमारी डाइजेस्टिव फायर भी कम हो जाती है, अग्निमंद हो जाती, उस वक्त अगर हम ठंड वाला खाना खा लेंगे तो वो पचेगा नहीं और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आपको शुरू हो जाएगी। तो इसलिए ऋतु के अनुसार भी आहार की मात्रा अलग होगी, एज के अकॉर्डिंग भी आपकी आहार की मात्रा अलग होगी। जैसे छोटा बच्चा है उसे प्रोटीन ज़्यादा चाहिए, लेकिन वही अगर ओल्ड एज की बात करें तो उन्हें प्रोटीन का ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, बस बॉडी फंक्शंस के लिए जितनी रिक्वायरमेंट है क्योंकि उनकी ग्रोथ अब फुलफिल हो चुकी है। तो उनकी डाइट में अगर हम प्रोटीन कम कर दें, बच्चे की डाइट में प्रोटीन ज़्यादा रखें। उसी तरह अगर हम देश की बात करें यानी हम कहाँ पे रह रहे हैं उसका भी रोल है। जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि रागी जो है साउथ में होता है, तो हमारे यहाँ क्या धान हो रहा है उस पे भी हमें फोकस करना चाहिए। जैसे अभी कुछ टाइम पहले एक कॉलर ने पूछा था कि वसा के क्या हेल्दी ऑप्शंस हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हेल्दी ऑप्शन सबके लिए अलग अलग हैं। एक साउथ का है अगर इंसान तो वो नारियल के तेल में खाना बनाएगा तो वो उसके लिए अच्छा है जी। लेकिन अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ सरसों बहुतायत में पाया जाता है, तो अगर हम सरसों के तेल में खाना बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। जी जी बिल्कुल। तो देखिए ये आपके यहाँ का जलवायु कैसा है, आप किस तरह की बेल्ट में हो, उससे उसका भी प्रभाव बहुत होता है। और हम देखते भी हैं कि जो ठंडी जगह के जो देश हैं या राज्य हैं उनका खान पान अलग होता है, जो गर्म है वहाँ का अलग होता है, तो इस बात का भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। फिलहाल इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप अपने प्रश्नों के साथ तैयार रहें, हम लेंगे आपके सवाल छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहें स्वस्थ किसान। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं, विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं स्वस्थ किसान। आज हम बात कर रहे हैं मोटे अनाजों की यानी बिखरे हुए तिनकों की सामूहिक हंसी पर। हम आपको बता रहे हैं जागरूकता फैलाने का हमारा मकसद है कि कैसे आप समझें कि सही पोषण आपकी थाली में है या नहीं और वो पोषण आपका शरीर ले पा रहा है या नहीं। और एक हमारे पास सवाल आया है सर हमारे, उससे पहले एक हम कॉलर हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। सुरेंद्र जी हैं जिन्होंने हमें दिल्ली से फोन किया। जी सुरेंद्र जी स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में, बताइए क्या प्रश्न है।
हेलो हेलो जी सुरेंद्र जी, बताएं सवाल बताएं अपना। मैडम जी मेरी मेरी उम्र है 50 ईयर और मेरे को भूख बहुत ज्यादा लगता है, तो ज्यादा खाने से नुकसान है क्या शरीर में? ज्यादा खाने से? अच्छा, आपको लगता है कि आपको भूख ज्यादा लगती है? मतलब मेरे को भूख बहुत ज्यादा लगता है। ये क्या ये मतलब होता है ऐसा कि किसी को भूख ज्यादा लगती है और वो ज्यादा खा जाते हैं, ये एक टेंडेंसी होती है या फिर अपना एक मेटाबॉलिज्म अच्छा है शरीर का, इससे क्या समझे इसे? देखिए ऐसा है कि अगर आपको बहुत ज्यादा भूख लगती है, एकदम स्वाद की वजह से खाते हैं, और या अगर आपको बहुत ज्यादा भूख लगती है और आपको शरीर में कमजोरी है, तो आपको मेहरबानी करके किसी अपने डॉक्टर के पास जाइएगा और अपना डायबिटीज़ का चेक कराइएगा, क्योंकि पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, ठीक है ना, ये काफ़ी मतलब पॉलीडिप्सिया मतलब खूब पानी पीना, खूब ज़्यादा खाना खाना और बार बार यूरिन जाना, ये ना एक डायबिटीज़ के प्राथमिक लक्षण है, उसको आप प्लीज़ दिखाइएगा और फिर आप उसको आगे पढ़िएगा। जी, एक हमारे पास ईमेल आया है, ईमेल ले लेते हैं। और ये भटिंडा से हमारे दर्शक हैं मनजीत, ये अपने 1.5 साल के बच्चे के बारे में जानना चाहते हैं। कहते हैं कि उसके उसको कब्ज़ रहती है, 1.5 साल के बच्चे को मल में खून आने की समस्या है, जिसकी वजह से बच्चा काफ़ी डिस्टर्ब रहता है, चिड़चिड़ा रहता है और परेशान रहता है। तो इसके पीछे सर, इधर छोटे से बच्चों को भी क्या कब्ज़ हो सकती है, क्या करना चाहिए इन्हें? जी मैम, ऐसा है कि जहाँ तक सवाल है कि ये नॉर्मल होता है कि कई बच्चे 2 या 3 दिन में एक बार पॉटी करते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम अब जो हम सोचते हैं, माँ सोचती है कि मैं रोज़ पॉटी जाती हूँ तो इसको भी पॉटी रोज़ आनी चाहिए, ये एक गलत कंसेप्ट है। नंबर वन, अगर उसके बच्चे को मल के द्वार के द्वारा अगर खून आ रहा है तो उसकी जांच करानी चाहिए किसी लोकल डॉक्टर से, वो बहुत ज़रूरी है कि उसको क्या प्रॉब्लम है, इसके इससे ज़्यादा हम नहीं बता सकते यहाँ पे। जी, भरतपुर से एक दर्शक है हमारे साथ, आइए हम कॉल ले लेते हैं। और देवेंद्र जी हैं राजस्थान से फ़ोन लाइन पर। देवेंद्र जी बताएं क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी। नमस्कार देवेंद्र जी, बताएं। हम ये पूछ रहे हैं बच्चों के लिए प्रोटीन के लिए क्या हाल है और विटामिन बी की कमी हो तो उसके लिए क्या हाल है? विटामिन डी और प्रोटीन के लिए गरिमा जी क्या बताना चाहेंगे? ये विटामिन डी की तो बहुत बड़ी समस्या है। विटामिन बी के लिए, डी फॉर दिल्ली और बी फॉर बॉम्बे। देखिए हरी साग सब्जियों के अंदर खूब मात्रा के अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है। आप बच्चे को खूब ज़्यादा हरी साग सब्जियाँ खिलाइएगा, बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आएगी, नंबर एक। और दूसरा प्रश्न था आपका प्रोटीन का। हमारी जो डाइट है, जो हमारी ट्रेडिशनल डाइट है, दाल रोटी चावल सीजन के फ्रूट वेजिटेबल्स, ये कंप्लीट फूड है। इसके अंदर खाने से कोई भी प्रोटीन की कमी नहीं होती है। आज तक हमने नहीं देखा अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई बच्चा प्रोटीन की कमी से बीमार है, ठीक है। उसकी पूरी डाइट अगर मिलती है, उसको 1000 किलो कैलोरीज मिलती है, उस बच्चे को 3-4 चपाती खाता है, सब्जी खाता है, वो स्वस्थ रहेगा। प्रोटीन की कभी कमी नहीं होती हमारे देश के। जी गरिमा जी, एक विटामिन डी की भी समस्या बहुत हम देखते हैं बच्चों में, और हमें तो अब सप्लीमेंट्स देने पड़ते हैं बच्चे जैसे ही पैदा होते हैं उसके साथ से ही। और ये ऐसी विटामिन डी है जो आप बहुत ज़्यादा खाद्य पदार्थों से आपको डायरेक्ट नहीं मिलती, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? कि हम जितना प्रकृति के पास रहेंगे उतना स्वस्थ रहेंगे। तो विटामिन डी का जो भगवान ने सबसे प्रकृति ने हमें सोर्स दिया है वो हमारे सन है, सूर्य। अगर हम सन के जो आजकल हमें लगता है ना कि बच्चों को धूप में नहीं जाने देना है, क्यों बाहर धूप में खेलना है, तो वो ही हर माँ बाप वही गलती करता है और फिर हमें आगे चलकर वही समस्या देखने को मिलती है कि उनमें विटामिन डी की कमी है, फिर हम उन्हें सप्लीमेंट्स दे रहे हैं, तो उन सप्लीमेंट्स की ही नौबत ना आए। इसलिए जो अर्ली मॉर्निंग है, मैं ये नहीं कहूँगी कि 12 बजे की तेज़ धूप में आप बच्चे को बाहर जाने दें, वो भी उनके लिए नुकसानदेह है, लेकिन जो सुबह का सूर्योदय होता है, ऐसी हैबिट उनके अंदर डेवलप कराइए कि वो सुबह जल्दी उठें ताकि सूर्योदय की जो धूप है वो उसको ले सकें और उसका
मतलब जो भी फल है वो उनकी पूरी ज़िंदगी काम आएगा। जी जी, और इसके अलावा जैसे हम ये भी जानते हैं कि हमारी जो थाली है उसमें ख़ासतौर पर हम नॉर्थ इंडियन की बात करें तो उसमें हम गेहूं और चावल को ही तवज्जो देते हैं, तो क्या इससे पोषण पूरा हो जाता है या फिर इसे भी हमें थोड़ा सा अब घटाना चाहिए? देखिए, मैंने पहले भी बोला कि जैसे हमारी जो थाली है जो हमारे पूर्वज लेते थे षड रसात्मक, मतलब उसमें सिर्फ गेहूं या चावल के लिए ही जगह नहीं होनी चाहिए, उसमें सब्जियों के लिए, फल के लिए, दूध के जो पदार्थ है और साथ में घी, वसा भी ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए, लेकिन उसकी मात्रा हमें संतुलित रखनी है, उसे ओवर यूज़ नहीं करना है, और कौन सा हम वसा ले रहे हैं उसका ध्यान रखना है, हमें रिफाइंड ऑयल्स नहीं लेने हैं, हमारा जो नेचुरल है, मस्टर्ड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, देसी घी है, इन पर फोकस कीजिए। जी, एक कॉलर है बलराम जी हैं जिन्होंने हमें ग्वालियर से फ़ोन लगाया है। जी बलराम जी, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो, हेलो जी बलराम जी, सवाल बताएं। अरे हमें खाने में दिक्कत नहीं है, ये खाना भूख लगती है बहुत सारी, खाती नहीं है, दूध भी पीते हैं पर वो खाना लगता नहीं है शरीर में खाना लगता नहीं है। चलिए इस पे मैं एक बार फिर से बात करती हूँ गरिमा जी, जो ये एक है कि हम खाना अच्छा खाते हैं, पोषक खाते हैं, लेकिन शरीर में लगता नहीं, और मुझे लगता है लगते का मतलब ये लोग सोचते हैं कि हम खूब एक वेल फेड फ्रेम। चाह रही थी कि आपको कैसे महसूस होता है कि आपका खाना नहीं लग रहा है, आपको कमजोरी लगती है, हर वक्त थकान लगती है या चिड़चिड़ाहट? अच्छी बात है, तो वजन कम है आपको लगता है कि वजन कम है? काम करते तो आप अपने मन से ही वहम निकाल दीजिए कि आपका जो खाना है वो आपके शरीर को नहीं लग रहा है। आप अगर फिट हैं, आपका वज़न नहीं बढ़ रहा है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि जितना आपकी बॉडी को ज़रूरत है उतना आप ले रहे हो और उसको कंज्यूम भी कर रहे हो, प्रॉपर उसको ओवरवेट की तरफ नहीं लेके जा रहे। जी जी, चलिए ये तो बात हुई पोषण की कि कैसी हमारी थाली होनी चाहिए जिसके बारे में आप बार बार कह रहे हैं कि एक, जैसे हम कहते भी ना कि एक रंग बिरंगी थाली होनी चाहिए, आपकी थाली में तमाम रंग होने चाहिए, वो पोषण आपका पूरा करने में बेहतर रहती है। लेकिन इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि आज के समय में डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ऐसी समस्याएं भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसमें जो मोटे अनाज है जैसे में ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, कुटकू, जिसकी हम जिक्र कर रहे हैं, इनका कितना बड़ा रोल है इसको कर्व डाउन करने में, ये कैसे रामबाण साबित हो सकते हैं गरिमा जी? देखिए, जो अभी आपने बीमारियों का जिक्र किया, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या हार्ट डिजीज़, ये सारी जो बीमारियाँ हैं उन्हें कहा जाता है कि ये नॉन कम्युनिकेबल है, यानी ये हमारी लाइफ स्टाइल की वजह से हमारे शरीर में पैदा हो रही हैं। जी, जो प्रकृति ने हमारी फिजियोलॉजी या बॉडी के ऑर्गन्स को बनाया है उसमें अगर हमारी गलतियों की वजह से कुछ कमियां आती हैं, वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे हैं, उन्हीं का रिजल्ट है ये सारी बीमारियां। तो जो उनका मेन कारण है या निदान जिसे हम कहते हैं, वो लाइफस्टाइल आप ढंग से फॉलो नहीं कर रहे हैं इसलिए हो रहा है, तो उसका जो मतलब चिकित्सा के है या उसका ट्रीटमेंट भी वही होगा कि आप अपनी दिन भर की जो लाइफस्टाइल है, हमें कितने बजे खाना है, क्या खाना है, खाने के बाद भी हमें क्या करना है, कई लोग होते हैं ना खा के तुरंत लेट जाते हैं, तो वो भी आपके डाइजेस्टिव प्रॉब्लम को एग्रीवेट करता है। तो कितने बजे सोना है, सोने की भी क्या मात्रा होनी चाहिए, दिन भर में कितना सोना है, तो ये सारी चीज़ें अगर हम सही रखेंगे, कितना चलना है, तो हमारी ये सारी जो बीमारियाँ हैं वो नहीं होंगी। जहाँ तक बात है मोटे अनाज की, तो चूँकि मोटे अनाज जो हैं वो पचने में लघु हैं, उनमें फाइबर्स कंटेंट बहुत ज़्यादा है, यानी आपकी भूख तो मिट ही जाएगी लेकिन आपकी डाइजेस्टिव जो कैपेसिटी है या फायर है उसके ऊपर ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ेगा। जी जी, तो ये सारी बीमारियां पैदा ही नहीं होंगी। जी कपिल जी, अब डॉक्टर कपिल मैं आपसे जानना चाहूँगी, जिसके बारे में भी गरिमा जी भी कह रही है, तो जो खासतौर पर फाइबर वाले मिलेट्स हैं वो मुख्य रूप से कौन से हैं, या फिर हम जो भी हमारे यहाँ की जो अलग अलग देश की, जैसे आपने बताया कि रागी साउथ में जब मिलता है, तो नॉर्थ इंडिया का जो मिलेट है उसमें फाइबर रिच मिलेट्स कौन कौन से हैं जो आसानी से पच भी जाएं और जिसका पूरा हमें पोषण भी मिले? मैं थोड़ा सा आपको एक जानकारी देना चाहूँगा जी। 1965 में हमारे यहाँ अकाल पड़ा था, हम लोग भुखमरी के शिकार थे। 1970 में लाखों बांग्लादेशी हमारे यहाँ आ गए थे, हमारे पास खाने को नहीं था। उस वक्त हमारे देश के स्वामीनाथन जी ने एक ग्रीन रेवोल्यूशन बनाया जी। जिसमें खूब गेहूँ और खूब चावल को बढ़ावा दिया गया।
और हमारे देश में ये जो मिलेट से बाजरा, ज्वार, बाकी जो चीज़ें थी उनको तवज्जो कम दी गई और सारे देश के अंदर सिर्फ गेहूं और चावल को उत्पादन को खूब बढ़ावा दिया गया। उसके कारण क्या हुआ कि क्योंकि तब खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना, ये खाद्य सुरक्षा भूख को हंगर वाज अ मेजर इशू हमारे देश के अंदर। आज की तारीख के अंदर भी अगर हम ज्वार खाते हैं, बाजरा खाते हैं और दाल, उसके साथ हम दाल चावल खाते हैं, बाजरे के अंदर खूब डाइट्री फाइबर है। जी जी जी। जो डाइट्री फाइबर जो पेट में जाता है तो उसके कारण हमारी भूख की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। अगर आप रोटी खाएंगे पूरे अनाज की तो दो खाएंगे, पूरी खाएंगे तो आठ खाएंगे। जी 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 जी। ठीक है, तो उसमें डाइट्री फाइबर कम होता जी है। जी जी। तो बेसिकली मैं ये कहूँगा कि आप मिलेट्स खाइएगा और जितना हो सके किसी भी रूप में खाइएगा। जी जी। और दूसरा उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। कम होता है जी, मतलब वो ग्लूकोज में बहुत तो जल्दी नहीं, ग्लूकोज अगर बढ़ता भी तो वो धीरे धीरे बढ़ता जी, है जी, एज कम्पेयर टू राइस एंड व्हीट। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कपिल, आपका भी, डॉक्टर गरिमा जी आपका भी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और हमें पूरी आशा है कि हमारे दर्शकों को ज़रूर इससे लाभ होगा। और अंत में हम यही कहेंगे कि मिलेट्स खाओ और सेहत बनाओ। दोस्तों, पिछले सप्ताह हमारे पास आपके कुछ मेल आए हैं जिनमें कुछ हमारे दर्शकों ने अपने सवाल हम तक पहुँचाए हैं। छपरा बिहार से संगीता राय ने पूछा है कि पिछले 10 से 15 दिनों से घबराहट और चक्कर आता है, क्या करें। वह एक और हमारे पास ईमेल आया है राजस्थान से, राखी गहलोत का कहना है कि अक्सर खाना खाने के बाद पेट में जलन होने लगती है, तो क्या करना चाहिए। दोस्तों, हम बहुत जल्द विशेषज्ञों के सामने आपकी समस्याओं को लेकर हाजिर होंगे और जिसकी सूचना आपको कार्यक्रम से 2 दिन पूर्व टेलीविजन के माध्यम से मिल जाएगी। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र लिख सकते हैं, अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें, swasthkisanlive@gmail.com, ये हमारा ईमेल पता है। आपके लिए बस इतना ही, अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मंगल रहें और हाँ, दूरदर्शन किसान देखते रहें। नमस्कार।